हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे एंड अपनी तैयारी को खूब मजबूत बना रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ आज पार्ट 3 लेकर, द राउटलेज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश ब्रिटेन एंड आयरलैंड की। ठीक है, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मैं राउटलेज की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को MCQs के फॉर्म में कवर करा रही हूँ। ठीक है, तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पहले से ही अपलोडेड है, तो प्लीज आप लोग जाकर देख लो क्योंकि वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कोट है, एवरीथिंग विल बी ओके। बहुत छोटी सी बात है लेकिन इसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में बहुत बड़ा पड़ सकता है। कैसे? लोग सोचते रहते हैं कि बुरा वक्त है, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना? जैसे कि अभी आपका बुरा फेस चल रहा होगा, किन्हीं का अच्छा चल रहा होगा। तो अगर जिनका अभी बुरा फेस चल रहा है, लाइक आपको डिमोटिवेशन लग रहा है, आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, आपकी तैयारी अभी भी अच्छे से नहीं हुई है एंड एग्जाम आने वाला है, तो फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला देख रहा है सब, आपकी परेशानी, आपकी मुश्किल, सब कुछ, तो सब ठीक हो जाएगा। बस धैर्य रखो, पेशेंस रखो एंड अपनी तैयारी को खूब अच्छे से करो, खूब मेहनत करो और अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। ठीक है, उम्मीद है इस छोटी सी बात ने आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जरूर डाला होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, हु इज द ऑथर ऑफ सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट? सो दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड हियर इज द आंसर, द ऑथर इज अननोन। जी हाँ, इसका ऑथर जो है वो अननोन है, किसी ऑथर का नाम हमें नहीं पता है, हम लोग इसको एनोनिमसली जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट व्हाट डज सर गवेन वियर दैट सिंबलाइज हिज कंट्रीशन? सो अ मैजिक बेल्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अंदर का क्वेश्चन है, इसीलिए टीजीटी पीजीटी जैसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है एंड नेट के भी प्रस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, सर ऑर्फियो ट्रांसपोजेस द क्लासिकल ग्रीक लेजेंड ऑफ विच फिगर्स इनटू एन इंग्लिश सेटिंग? सो ऑर्फियस एंड यूरिडाइस। सॉरी, नेक्स्ट, विच टेक्स्ट बाय चौसर इज कंसिडर्ड हिज फर्स्ट मेजर वर्क? सो द बुक ऑफ डचेस। ओके, दिस वन इज करेक्ट। ट्रॉलियस एंड क्रिसीड बाई चौसर टेक्स इट्स सोर्स फ्रॉम विच इटालियन राइटर? सो चौसर इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाई बोकैशियो। ठीक है, तो बोकैशियो इज द करेक्ट आंसर। हु इज द फर्स्ट फीमेल राइटर इन यूरोप जनरली सीन एज पर द टेक्स्ट? सो हर रोड स्वीथा, लाइक ऐसे ही कुछ प्रोनाउंसिएशन होगा, आप लोग एक बार गूगल ट्रांसलेट पर चेक कर लेना। ठीक है, तो इनको पहली राइटर माना जाता है। ठीक है, और ये टेक्स्ट यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि राउटलेज की जो बुक है उसमें हॉट्सिवा का नाम है फर्स्ट फीमेल राइटर के लिए। ठीक है, इन यूरोप। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आप लोग इसको कर लेना एंड उम्मीद है आप लोग सभी कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और सारे क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे होंगे, राइट? नेक्स्ट, विच टेक्स्ट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स ऑफ ट्रैवल एंड गिव्स इनसाइट इनटू द ओरिएंट? सो ट्रैवल्स बाय सर जॉन मैंडेविली। ओके, दिस वन इज करेक्ट। इन द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन व्हाट वर्सेस फ्रॉम डज चौसर यूज्ड फर्स्ट यूज इन इंग्लिश पोएट्री? सो हीरोइक कपलेट्स, लेजेंड्स ऑफ गुड वुमेन्स में इन्होंने हीरोइक कपलेट्स का यूज किया है। ठीक है, और ये ही पहले थे जिन्होंने हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस किया अपने इस वर्क में। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड ये पूछा भी जा चुका है नेट के एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग इसको कर लेना। हु अमोंग द फॉलोइंग रोट द बुक ऑफ मार्गरेट किम? आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने कल कराया था आपको। इट वॉज डिक्टेटेड बाई मार्गरेट किम्पी टू टू मैन। ओके, नेक्स्ट,
narrative form used by Chaucer in the House of Fame? So dream poem. Dream poem ही यूज किया गया है चौसर के द हाउस ऑफ फेम में. ठीक है. वॉट इज द नरेटिव स्ट्रक्चर यूज इन जोफ्री चौसर द कैंटरबरी टेल्स. सो सीरीज ऑफ लिंक स्टोरी टोल्ड बाई डिफरेंट पिलग्रिम्स. सो इनकी जो कैंटरबरी टेल्स है इसमें हम लोग देखते हैं ये तो खुद ही एक स्टोरी सुना रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी स्टोरीज पिलग्रिम्स के द्वारा सुनाई जाती है. ठीक है. नेक्स्ट, हाउ मेनी टेल्स डिड चौसर ओरिजिनली प्लान फॉर ईच पिलग्रिम टू टेल इन द कैंटरबरी टेल्स. सो ये वाला जो क्वेश्चन है ये सीयूईटी में पूछा जा चुका है, ये नेट का भी क्वेश्चन है एंड ये टीजीटी पीजीटी में भी पूछा जा चुका है. सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. करेक्ट आंसर इज 4. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको दिमाग में रखना. इन द मिलर्स टेल व्हाट ह्यूमरस इंसिडेंट अकर्स विद एब्सालन. ही किसेस एलिसॉन्स बेयर बॉटम. ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. द पिलग्रिमेज इन द कैंटरबरी टेल्स इज टू विच डेस्टिनेशन. सो हियर इज द करेक्ट आंसर, कैंटरबरी. ठीक है, वो लोग कहाँ जा रहे थे? वो लोग थॉमस बेकेट की श्राइन पे जा रहे थे. ठीक है. Who is the host of pilgrimage group in the Canterbury Tales? So this is a very common question. I think correct answer is Harry Belly. Okay? आप लोगों ने अगर Canterbury Tales को नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाके पढ़ लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं एंड ये बहुत important work है. ठीक है. Which tale in Canterbury Tales defends the idea of having multiple husbands? So यहाँ पे correct answer हो जाएगा the wife of Bath's tale. ठीक है. What is the occupation of the character who tells a mocking and extortionate religious figure in the Canterbury Tales? So the friar is the correct answer. Okay, next. What is the theme of the general prologue's famous opening lines in the Canterbury Tales? So the renewal of spring. ठीक है. ये जो कैंटरबरी टेल्स का जो जनरल प्रोलॉग है इसमें कौन से महीने का जिक्र किया गया है? तो अप्रैल का. ठीक है, ये भी याद रखना. विच कैरेक्टर इन द कैंटरबरी टेल्स इज डिस्क्राइब्ड विद अ ब्रूच दैट हैज द लैटिन मोटो अमोर विंसित ओमिना. ठीक है, सो द प्रायरस, इसने एक ब्रोच पहना हुआ था जिसमें अमोर विंसित ओमिना लिखा हुआ था. इसका एक ये एक लैटिन फ्रेज है एंड इसका मतलब होता है लव कंकर्स ऑल. ठीक है, ऐसे ही कुछ मीनिंग था. आप लोग एक बार दोबारा से जाके गूगल पे देख लेना एंड अपनी कॉपी में उसको लिख लेना, क्योंकि ट्रांसलेशन में आ जाएगा ये. व्हिच लिटरेरी डिवाइस इज एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय चौसर टू पोर्ट्रे हिज कैरेक्टर इन द कैंटरबरी टेल्स. सो आयरनी. आयरनी इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो यहाँ पे हमारी जो स्लाइड्स है वो खत्म होती है. हम लोग कल करने वाले हैं लैंगलैंड, और भी दो तीन राइटर्स को कल हम लोग कवर करेंगे फ्रॉम राउटलेज की बुक. एंड अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो, क्योंकि बहुत सारी एकदम इंफॉर्मेटिव वीडियोज आने वाली है, कहीं आप ही लोग पीछे ना रह जाओ. ठीक है, इसीलिए सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को भी दबा ही देना, क्योंकि क्या होगा उससे कि जब भी फर्दर वीडियोस मेरी आएंगी तो आप लोग को नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी एंड आप लोग आके चेकआउट कर लेना. ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग कल. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.